अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए सीवेज क्या होती है, सीवेज के अंदर जो हमारा अर्बन वेस्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कह सकते हैं प्रेजेंट है, वो चीज़ क्या होगी, सीवेज होगी। तो सीवेज क्या है, जिसके अंदर वाटर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे वो चीज़ क्या कहलाएगी, सीवेज कहलाएगी। तो सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ भी है इनऑर्गेनिक चीज़ भी है, जिसके कारण हमारा जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो उस पोल्यूटेड वाटर को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, और वहाँ पर माइक्रोब्स क्या रोल प्ले करेंगे। सीवेज के बारे में पढ़ लिया कि एक सीवेज के अंदर क्या हो सकते हैं, हमारा हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कह सकते या कंपाउंड कह सकते हो। तो एक सीवेज है, सीवेज हमारा शहर से एक कोई एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है, और उस ट्रीटमेंट प्लांट में दो प्रोसेस होंगी। शहर का जितना भी गंदा नाले का पानी है सीवेज है, वो उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए दो प्रोसेस रहेंगी, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगी और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहेगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा शहर है, ये हमारा शहर है झज्जर, ठीक है, यहाँ से जितना भी वेस्ट है वो आया है हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर अब यहां पर दो प्रोसेस रहेंगी, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगी और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट रहेगी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, सिर्फ फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दी सीवेज यूजिंग फिल्ट्रेशन एंड सेंडिमेशन, या यहां पे हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए हमारे पास पानी आया झज्जर हमारे शहर से, तो इस पानी को एक टैंक में डालेंगे, ठीक है, और इस टैंक का नाम रहेगा प्राइमरी फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है, या प्राइमरी सेटल्ड टैंक, ठीक है। ये टैंक नंबर वन, यहां से वाटर आ रहा है, ठीक है, फिर इस वाटर को यहां पर एक फिल्टर लगा देंगे और इस वाटर को डाला जाएगा एक अनदर टैंक नंबर टू के अंदर। यहां पे क्या होगा, यहां पे पानी खड़ा रहेगा, जिसके कारण जो बड़े पार्टिकल हैं डस्ट वगैरह हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगी। फिर यहां पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर से वाटर जो है अगले टैंक में चला जाएगा, प्राइमरी सेटल्ड टैंक से अगले टैंक में चला जाएगा। तो यहां पे जो फर्स्ट टैंक है यहां पे क्या प्रोसेस हुई, सेडिमेशन या फिल्ट्रेशन हुई, क्या हुई, सेडिमेशन या फिल्ट्रेशन हुई। अब यहां पर इस प्राइमरी टैंक के अंदर जो है जो ये जो डस्ट पार्टिकल है ये यहीं पर, या बड़े वाले पार्टिकल है वो यहां पर ही क्या हो जाएंगे, सेटल्ड डाउन हो जाएंगे और यहां से इनको निकाल दिया जाएगा। और इसका यूज जो है हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारे खेत वगैरह में एज ए बायो फर्टिलाइजर की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। अब यहां से जो है जो मेन सीवेज जो पानी में घुली हुई सीवेज है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो पानी के अंदर घुल गए हैं वो सब सेकेंड टैंक में डाले जाएंगे, और इस सेकेंड टैंक के अंदर होगी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगी, एरिएशन एक्टिवेटेड सलज और एनाएरोबिक सलज डाइजेस्टर, इनका हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे, अब जो वॉटर है सेकेंड टैंक के अंदर जो वॉटर है इसको ट्रांसफर किया जाता है एक और टैंक के अंदर, और इसका नाम लिख रख लेते हैं थर्ड टैंक, और थर्ड टैंक का यहां पर नाम है एरिएशन टैंक। क्या नाम है, एरिएशन टैंक।
ठीक है। आप कभी विजिट करोगे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, तो आप इसी तरह की सिचुएशन देखोगे। पहला एक टैंक होगा जिसको बोलेंगे सेटलिंग टैंक, जो बड़े वाले पार्टिकल हैं जैसे ईंट पत्थर वगैरह जो पानी के साथ घुलकर आए हैं उनको सेटल करने के लिए होता है। दूसरे में फिल्टर वगैरह लगे होते हैं। और तीसरा होता है एरिएशन टैंक। आपने देखा होगा कि पानी के इस प्रकार से फवारे टाइप बनाए जाते हैं, पानी के फवारे बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, एरिएशन होगी। एरिएशन का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट में एयर है वो एयर हमारी सीवेज के अंदर जो वाटर है उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एरिएशन टैंक के अंदर क्या होगा, एरिएशन होगी, मतलब हमारे जो वाटर है, हमारे जो हमारा सीवेज है उस सीवेज के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी। क्योंकि कभी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो डीओ का, डीओ होती है डिजोल ऑक्सीजन इन द वाटर, तो ये डीओ बढ़ाई जाएगी, ये डीओ बढ़ाई जाएगी। फिर इस वाटर को आगे एक फोर्थ टैंक के अंदर ऐड किया जाएगा या डाला जाएगा, फोर्थ टैंक, और इस फोर्थ टैंक का नाम होगा एक्टिवेटेड सलज टैंक। क्या नाम होगा, एक्टिवेटेड सलज टैंक। देखते हैं एक्टिवेटेड सलज क्या होगी। देखो जो हमारी सीवेज है, ठीक है, सीवेज के अंदर वाटर है, ये सीवेज आई थर्ड टैंक के अंदर, तो यहां पे क्या कर देते हैं, यहां पे कुछ माइक्रोब्स को हम ऐड कर देते हैं। एरिएशन के साथ साथ हम यहां पर कुछ माइक्रोब्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ये माइक्रोब्स करेंगे कि जो सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, तो ये माइक्रोब्स जो है सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाएंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, जो हमारे सीवेज का जो वाटर है उसकी बीओडी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, उसकी बीओडी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब पढ़ते हैं ये बीओडी क्या चीज होती है। बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बड़े ध्यान से सुनेंगे कि बीओडी एक्चुअली होती क्या है। बीओडी इज द मेजर ऑफ पोल्यूशन ऑफ द वाटर। बीओडी क्या है कि वाटर कितना पोल्यूटेड है उसके बारे में बताएगी। जैसे मैं कहता हूं कि एक सीवेज है, सीवेज की बीओडी मेरे पास तीन वाटर हैं, एक की बीओडी 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर है फर्स्ट सैंपल की, दूसरे की बीओडी जो है वो 50 मिलीग्राम पर लीटर है दूसरे सैंपल की, और एक तीसरा सैंपल है जिसकी बीओडी 300 मिलीग्राम पर लीटर है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ये जो पानी है ये पीने योग्य है, कि इसकी बीओडी कम है, तो ये आप कहोगे कि ये वाटर जो है फ्रेश वाटर रहेगा, और जिसकी बीओडी बहुत ही ज्यादा है तो आप कहोगे कि ये सीवेज का वाटर रहेगा, और जिसकी बीओडी ये बीच में है तो आप कहोगे कि ये सीवेज जो है ट्रीट की हुई सीवेज है। कैसी सीवेज है, ट्रीट की हुई, ठीक है। तो मोर द बीओडी मोर इज द वाटर पोल्यूटेड, जितनी ज्यादा बीओडी रहेगी उतना ज्यादा हमारा पानी क्या रहेगा, पोल्यूटेड रहेगा। तो एक बीओडी की यहां से स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिलती है कि बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय ए एरोबिक बैक्टीरिया टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज। बीओडी क्या है, बीओडी हो जाएगी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई एरोबिक
बैक्टीरिया टू ईट या टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दी वॉटर। कि भाई ऑर्गेनिक मैटर जितना वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन एक एरोबिक बैक्टीरिया लेगा वो क्या हो जाएगी, बीओडी हो जाएगी। और हमने यहां पर देखा कि जितना ज्यादा बीओडी रहेगी उतना ज्यादा वाटर क्या रहेगा, पोल्यूटेड रहेगा। और हमने अभी यहां पर पढ़ा एरिएशन टैंक, ये एरिएशन टैंक का यूज क्यों करते हैं, ताकि यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सके। और एरिएशन टैंक से हमने पढ़ा था कि ये डिजोल्व ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसी डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करके जो ऑक्सीजन लेंगे और उसी ऑक्सीजन की हेल्प से जो उस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ये बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय करेंगे। ये बात समझ में आई आपको? तो यहां पर एक्टिवेटेड स्लज टैंक का मतलब है कि यहां पर जो बैक्टीरिया है वो बन जाएंगे फ्लोक्स। बैक्टीरिया क्या बना लेंगे, बैक्टीरिया फ्लोक्स बना लेंगे। फ्लोक्स का मतलब है कि बैक्टीरिया के आसपास फंगी भी हो सकती है, तो वो एक ग्रुप्स बना लेते हैं, फंगी और बैक्टीरिया ग्रुप्स बना करके फ्लोक्स बना लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगी, इस वाटर की बीओडी क्या होगी, कम होगी, मिनिमाइज होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इस फोर्थ टैंक के अंदर एक्टिवेटेड स्लज टैंक के अंदर बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस बीओडी को लो करेंगे, इस बीओडी को क्या करेंगे, कम करेंगे। और जितनी ज्यादा कम बीओडी होगी उतना ज्यादा वाटर क्या होगा, लेस पोल्यूटेड होगा, ठीक है। फर्दर इस वाटर को एक फिफ्थ टैंक के अंदर लेके आएंगे जहां पर होगी सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि अब यहां पर इसको ठहराया जाएगा, उस फ्लोक्स उस पानी को स्लज को ठहराया जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो फ्लोक्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, जो फ्लोक्स हैं बैक्टीरिया वगैरह हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो हमारा जो यहां ऊपर पानी है वो ट्रीट हो जाएगा। अब इस ट्रीट किए हुए वाटर को हम किसी भी नदी वगैरह रिवर के अंदर हम इसको डाल सकते हैं। अब इस ट्रीटेड वाटर का उस रिवर पर ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, उसको ज्यादा पोल्यूटेड नहीं करेगा, ठीक है। और हमारे पास जो सेडिमेंटेशन करने के बाद जो फ्लोक्स बने हैं उसको हम एज ए इनोकुलम इनोकुलम होता है एक स्टार्टर कल्चर। क्योंकि फ्लोक्स में हमारे पास क्या थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे, तो वहां से स्टार्टर कल्चर के रूप में उन एरोबिक बैक्टीरिया को कुछ को निकाल लेते हैं, फिर से यहां पर एरिएशन टैंक में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो सीवेज है वो ट्रीट होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, माइक्रोब्स इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होगा, जिसके अंदर हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट से या हाउस होल्ड वेस्ट रहेगा। और सीवेज ट्रीटमेंट के यहां पर दो मेथड पड़े, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, जैसे सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन। जो हमारी मेन ट्रीटमेंट है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने याद करना एरिएशन, एक्टिवेटेड स्लज एंड एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। फर्स्ट में हमने पढ़ा एरिएशन के बारे में, एरिएशन क्या करती है, एरिएशन उस सीवेज के अंदर ग्रो कराती है ऐसे बैक्टीरिया को जो बीओडी को क्या करें, कम करें, ठीक है। फिर है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या रहेगी कि अब उस एक्टिवेटेड जो सीवेज है उस सीवेज के अंदर ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं जैसे फ्लोक्स। तो फ्लोक्स क्या करेगी, उसी बीओडी को रिमूव करेगी फर्दर। फिर हमारे पास जो सेडिमेंटेशन के बाद यहां पर जो मैटर बनता बचता है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल करके यहां से मीथेन वगैरह, CH4, CO2 इस तरह की गैसेज को, या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। या यहां पे जो सलरी बचेगी उस सलरी का हम अपने
फार्म्स के अंदर एज ए बायोफर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो आइए इस एप्लीकेशन को जानते हैं एक अगले टॉपिक के अंदर, माइक्रोब्स इन दी बायोगैस प्रोडक्शन।